तो हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सीएसएस। सीएसएस क्या है और क्यों यूज़ करते हैं उसे, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में एक एग्जांपल भी लिख के बताऊंगा। तो अपनी एचटीएमएल फाइल बना लेते हैं। तो एचटीएमएल फाइल बनाने के बाद अगर आप ये स्टूडियो कोड में हैं तो आप डॉक लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो एक स्टार्टर कोड एचटीएमएल का जनरेट हो जाएगा। इसे मैं जल्दी से एक बेसिक एचटीएमएल लिख देता हूँ। तो आप लोग, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में एक ट्रिक होती है रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने की। एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं तो हमको देखना होता है कि हमारी वेबसाइट टेक्स्ट डालने पे कैसे दिख रही है, तो उसके लिए हमको डमी टेक्स्ट यूज़ करना पड़ता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक तरीका है, आप लोरम टी टैग लिखेंगे, उसके अंदर लोरम लिखें और प्रेस एंटर कर दें तो अप्रॉक्स 25 वर्ड्स जनरेट हो जाते हैं। ये एकदम रैंडम डमी टेक्स्ट होते हैं जो बस हम लोग डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये टेक्स्ट बस आपको दिखाने के लिए है। आप लोरम, मैं फिर से बता देता हूँ, आप लिखेंगे लोरम, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये 25 वर्ड जनरेट हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा वर्ड चाहिए तो आप लोरम लिख के जितने वर्ड्स आपको चाहिए, मान लीजिए 50 चाहिए तो 50 लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो 50 वर्ड जनरेट हो जाएंगे। मैं इसे लोरम आने देता हूँ। तो इसके बाद इसको आपको अपने ब्राउज़र में ओपन करना होगा। सिंपली आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करके अपने वेब ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से अपने सेव, जहाँ आपने जिस फोल्डर में सेव किया वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, मैंने ड्रैग करके ओपन कर लीजिए। तो ये बेसिक एचटीएमएल है जो आप लोग को आता ही होगा। अब मैं बताना हूँ सीएसएस, इसमें कैसे सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो सीएसएस अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग एक अलग से सीएसएस फाइल बना लें इस एचटीएमएल के साथ ही और उसको अटैच करते हैं इस एचटीएमएल से, या फिर हम लोग इस एचटीएमएल के अंदर ही सीएसएस लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं इस एचटीएमएल के अंदर ही सीएसएस लिख कर बताऊँगा, और जो एडवांस सीएसएस है वो हम लोग अलग फाइल में लिखते हैं और उसके लिए मेरा एक नेक्स्ट वीडियो होगा। तो बेसिकली अगर हमें एचटीएमएल में सीएसएस लिखना है तो उसके लिए हमें हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग लगाना पड़ता है। स्टाइल, मेक श्योर कि ये आपने हेड टैग के अंदर लगाया हो, हेड टैग के बाहर नहीं, और स्टाइल टैग के अंदर ही हम अपनी सीएसएस लिखते हैं। तो सीएसएस लिखने के लिए बेसिकली मैं आपको एकदम बिगिनर फ्रेंडली एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सीएसएस में हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं सिलेक्टर। जैसे मुझे मान लीजिए इस H1 को स्टाइल देना है, इस H1 को मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल टैग के अंदर H1 को सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब कर्ली ब्रेसेस, अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी स्टाइलिंग देनी है H1 को वो दे सकता हूँ और वो H1 को अप्लाई हो जाएगी। तो मैं जैसे लिख देता हूँ बॉर्डर, तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया है बॉर्डर लिख के हम कॉलन लगा के उसके बाद जो भी बॉर्डर देना है वो लिखते हैं। ये बेसिकली एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो है टू पिक्सल एक यूनिट होती है सीएसएस में, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं विड्थ के लिए, हाइट के लिए, बेसिकली एकदम डायगोनल फ्रेंडली यूनिट्स ये है पिक्सल। टू पिक्सल आपको पता नहीं होगा, टू पिक्सल अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर होता है। तो 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक ब्लैक कलर का बॉर्डर मैंने H1 को दिया है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँगा तो H1 के अराउंड 2 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर आ जाएगा। बेसिकली यही है सीएसएस, हम लोग इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए हैं और उसके अंदर मैंने जो सीएसएस ली है, मैंने जो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई की है वो इस H1 जो सिलेक्टर है उस पर अप्लाई हो रही है। मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे टेक्स्ट अलाइन आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इससे क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा। बस बेसिकली आपको इसको सेव करना है और रिफ्रेश करना है, तो होगा क्या, ये जो टेक्स्ट है H1 का वो सेंटर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज कर सकते हैं, लार्ज, एक्स लार्ज, बहुत सारे ऑप्शन हैं, या फिर आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं, 30 पिक्सल। और इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करिएगा तो देखेंगे इसका साइज चेंज हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ कर सकते हैं, जैसे कलर आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे रेड,
मेक श्योर कि आप जो भी प्रॉपर्टी के सामने जो भी चीज़ स्पेसिफाई करें लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ना भूलें, नहीं तो ये काम नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा कलर, कलर बेसिकली फॉन्ट कलर होता है, ये फॉन्ट कलर सेट करता है। तो H1 का फॉन्ट कलर रेड हो गया, ये काम होता है कलर का। एक होता है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर से हम बैकग्राउंड का कलर दे सकते हैं, जैसे मैं दे दूँ ग्रे, उसको सेव करके रिफ्रेश करना जरूरी है। तो देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रे है और फॉन्ट कलर रेड है। ऐसे ही मान लीजिए मुझे पी को सिलेक्ट करना है, तो मैं लिखूंगा सिंपली इस, ये H1 की स्टाइलिंग है और P की स्टाइलिंग अलग होगी। तो इसके लिए हमें अलग से P का सिलेक्टर बनाना पड़ेगा, P उसके बाद कर्ली ब्रेसिंग। तो यहाँ पे हम हमने P को सिलेक्ट कर लिया, जिसके इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो P P एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो मान लीजिए मेरा पैराग्राफ है, इसको मुझे बॉर्डर देना है। सेव करने के बाद देखते हैं तो वो पिक्सल का ग्रीन कलर का बॉर्डर इस पी के अराउंड हो गया है। मान लीजिए मुझे इस पी एलिमेंट को कुछ हाइट देनी है, तो मैं लिख सकता हूँ हाइट। हाइट बेसिकली ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो होता है हाइट। तो यहाँ पर मैं हाइट दे सकता हूँ मान लीजिए 500 पिक्सल। अगर आपको ये पिक्सल समझ नहीं आ रहा तो डरिए मत, इसीलिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप फ्यूचर में देखना है तो हो सकता है एक अलग सी वीडियो हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे होगा। तो जैसे ही मैंने इसको हाइट की तो इसको वो हाइट यहाँ पे अप्लाई हो गई है। ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, तो ऐसे ही मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे जैसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सेंटर हो जाएगा। और मैं बहुत सारी चीज़ें काम फैमिली कौन फैमिली, यहाँ से आप अगर वी एस स्टूडियो कोड में तो आपको ऑलरेडी ऑप्शन आ रहे होंगे, तो कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं यहाँ पे, कलर बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, मैं ये सब चीज़ें आगे आने वाली वीडियोज में सेपरेटली बताऊँगा। तो इसको कुछ बैकग्राउंड कलर मिल गया और बहुत सारी चीज़ें आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग एडवांस CSS लिखना सीखेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज का एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।